करते हैं शुरू टेक स्टफ का एक और नया एपिसोड मोटोरोला के साथ। मोटोरोला मचाने वाला है फिर से अपने मोटो E40 के साथ। इंडिया में मोटो E40 हमें 12 अक्टूबर को देखने को मिलने वाला है। मोटोरोला ने आज अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू इस न्यूज को ऑफिशियल कर दिया है। रेडमी के 50 सीरीज के स्मार्टफोन्स काफी जल्दी लॉन्च होने वाले हैं और इस लेटेस्ट रिपोर्ट की अगर हम माने तो रेडमी के 50 प्रो प्लस, रेडमी के 50 सीरीज के टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट में हमें एक 5000mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 898 प्रोसेसर होगा, 108 मेगापिक्सल्स का होगा मेन कैमरा, साथ में पेरिस्कोपिक लेंस के भी होने के चांसेस हैं और साथ में सेंट्रली अलाइंड सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा हमें रेडमी के 50 प्रो प्लस में देखने को मिलने वाला है। ब्लैक शार्क ने आज ऑफिशियली कंफर्म कर दी है ब्लैक शार्क 4S की लॉन्च डेट 13 अक्टूबर को ब्लैक शार्क 4S चाइना में लॉन्च होने वाला है। स्पीकिंग ऑफ 13 अक्टूबर गाइस, OnePlus ने भी आज ऑफिशियली कंफर्म कर दी है OnePlus 9RT की लॉन्च डेट। 13 अक्टूबर को OnePlus 9RT लॉन्च होने वाला है चाइना में और jingdong.com पे OnePlus 9RT की फर्स्ट लुक को भी पोस्ट कर दिया गया है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, दिस इज व्हाट द OnePlus 9RT इज डेफिनेटली गोइंग टू लुक लाइक। इंडिया में इसकी लॉन्च को थोड़ा सा टाइम और लग सकता है बट यस, चाइना में अभी के लिए OnePlus 9RT 13 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है और इसके साथ में हमें OnePlus Buds Z2 भी देखने को मिलने वाले हैं और OnePlus Buds Z2 कैसे दिखेंगे ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। इसकी रिटेल पैकेजिंग भी लीक हो गई है, केस, एक्स्ट्रा टिप, साथ में USB टाइप सी चार्जिंग केबल यहां पे निकल के आ चुके हैं और काफी जल्दी OnePlus Buds Z2 हमें इंडिया में भी देखने को मिलने वाले हैं। Redmi Note 11 सीरीज के स्मार्टफोन्स भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं और Redmi Note 11 Pro या Redmi Note 11 Pro Max जो भी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होगा इस सीरीज का, उसमें हमें इस लेटेस्ट रिपोर्ट की अगर हम माने तो 120 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलने वाली है। आईफोन 13 सीरीज के लॉन्च होने से पहले ही आईफोन 14 सीरीज के लीक्स आने शुरू हो गए थे और अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स निकल के आई हैं वो क्लेम करेंगे यार आईफोन 14 सीरीज के प्रो वेरिएंट्स में हमें एक सेंट्रली अलाइंड सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की भी सपोर्ट देखने को मिलने वाली है। बट इस लेटेस्ट रिपोर्ट की अगर हम माने तो ऐसा नहीं होगा और आईफोन 14 सीरीज के स्मार्टफोन्स में भी हमें फेस आईडी देखने को मिलेगी और नॉच होगी। चाचा गलत हो रहा है, सेंट्रली अलाइंड सिंगल पंच होल नहीं होगा, एक नॉच होगी बट थोड़ी सी छोटी नॉच हमें आईफोन 14 सीरीज के स्मार्टफोन्स में देखने को मिलने वाली है। रियलमी 13 अक्टूबर को अपने Realme GT Neo 2 के अलावा काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाला है। Realme GT Neo 2, Realme Buds Air 2 का नया कलर वेरिएंट, Realme 4K स्मार्ट टीवी Google Stick, Realme Brick ब्लूटूथ स्पीकर और साथ में कुछ गेमिंग एक्सेसरीज हमें 13 को देखने को मिलने वाली है। Realme कूलिंग बैक क्लिप नियो, Realme टाइप सी सुपर डार्ट गेम केबल और साथ में Realme मोबाइल गेम ट्रिगर्स 13 को लॉन्च होने वाले हैं। अपडेट्स टाइम गाइस, Xiaomi 11 सीरीज के कुछ स्मार्टफोन्स के लिए Android 12 बीटा अभी कुछ टाइम पहले रोल आउट हुआ था, स्टेबल बीटा रोल आउट हुआ था। बट इस कोट अनकोट स्टेबल बीटा को अगर आप फ्लैश करोगे अपने Xiaomi 11 सीरीज के स्मार्टफोन्स में तो रिपोर्टेडली आपका स्मार्टफोन ब्रिक हो सकता है। यस, एक बगी सॉफ्टवेयर अपडेट यहां पे रोल आउट हुआ है और अगर आप इनमें से कोई भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी के लिए आपको इस स्टेबल बीटा को, स्टेबल बिल्ड को अपने स्मार्टफोन पे फ्लैश नहीं करना चाहिए। स्पीकिंग ऑफ अपडेट्स, वैसे Redmi Note 9 Pro Max और Redmi Note 7 Pro यूजर्स के लिए इंडिया में एक अच्छी न्यूज है। फाइनली इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए MIUI 12.5 MIUI 12.5 अपडेट रोल आउट होना शुरू हो चुका है। एप्पल ने अपने AirPods Pro के लिए एक नए फर्मवेयर अपडेट को रोल आउट करना शुरू कर दिया और इस अपडेट में एक कॉन्वर्सेशन बूस्ट फीचर रोल आउट किया गया है। इसमें क्या होगा, अगर आप ये AirPods लगा के किसी से बात कर रहे हैं फोन पे तो आपको गुफ्तगू करने में कोई भी समस्या नहीं होने वाली, मतलब जितनी भी बैकग्राउंड नॉइस आती थी वो इस फीचर के बाद आपको कम देखने को मिलेगी और एक बेटर तरीके से वार्तालाप, बातें चीतें आप इस अपडेट के बाद अपने AirPods Pro के थ्रू कर पाएंगे। बातें चीतें, क्या बोला तूने? बातचीत, गॉट द पॉइंट। लॉन्चेस टाइम गाइस, सोनी ने अपने एक नए वायरलेस नेक बैंड ब्लूटूथ स्पीकर को लॉन्च कर दिया है। इसका नाम है सोनी SRS-NS7। सोनी के प्रोडक्ट्स के नाम वैसे ऐसे ही होते हैं। इसमें आपको 360 रियलिटी ऑडियो देखने को मिलती है, डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट है और फिलहाल के लिए सोनी का ये नेक बैंड ब्लूटूथ स्पीकर US में लॉन्च हो गया है बट काफी जल्दी इंडिया में भी आपको समवेयर अराउंड 25,000 रुपीज में ये स्पीकर सोनी की तरफ से देखने को मिलने वाला है। क्रॉसलूप ने इंडिया में अपने एक नए एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन
वर्जन TWS को लॉन्च कर दिया है। इनका नाम है क्रॉस लूप जेन एक्स ANC ईयरबड्स। इनमें आपको लो लेटेंसी गेमिंग की सपोर्ट देखने को मिलती है, साथ में ऑफ कोर्स एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की सपोर्ट देखने को मिलती है। और 2199 रुपीस में इन TWS को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। इनकी स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, प्राइसिंग, ये दिखते कैसे हैं, ये सारी चीजें मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। गेमिंग न्यूज टाइम गेज हेलो लवर्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। हेलो द मास्टर चीफ कलेक्शन गेम का फाइनल सीजन अगले हफ्ते अनवेल होने वाला है। ये मिडीवल टाइम्स पे बेस्ड होगा और इसमें आपको ऐसे ही कॉस्मेटिक्स देखने को मिलने वाले हैं। नोटेबली गेज यहाँ पे आपको मिडीवल नाइट्स, वाइकिंग वॉरियर्स, स्पार्टन्स वगैरह देखने को मिलेंगे और काफी इंटरेस्टिंग ये सीजन आपको अगले हफ्ते देखने को मिलने वाला है। GTA रीमास्टर ट्रिलजी के बारे में काफी सारे लीक्स, काफी सारे र्यूमर्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पिछले बहुत टाइम से निकलती आ रही है और इस लेटेस्ट रिपोर्ट की अगर हम माने तो ये GTA रीमास्टर ट्रिलजी हमें अगले महीने देखने को मिलने वाली है। नवंबर में आप GTA रीमास्टर ट्रिलजी को अपने डिवाइस पे एंजॉय कर पाएंगे। एपेक्स लेजेंड्स लवर्स के लिए भी एक बहुत अच्छी न्यूज है। इस गेम का एक और नया अपडेट जल्दी ही रोल आउट होने वाला है और इसमें आपको एक नई इवेंट, एक नई हेलोवीन थीम्ड इवेंट देखने को मिलने वाली है। इसका नाम होगा न्यू मॉन्स्टर्स विद इन और एज द नेम सजेस्ट्स यहां पे आपको हेलोवीन कॉस्मेटिक्स इस लेटेस्ट इवेंट में देखने को मिलने वाले हैं। सर्टिफिकेशंस टाइम गाइस, कार्बन से करते हैं आज की सर्टिफिकेशंस शुरू। कार्बन कमाल कैच, कार्बन K9 जूनियर करके एक नया स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। इंडिया की BIS पे आज ये स्मार्टफोन सर्टिफाई हो चुका है। रियलमी ने आज एक नए ट्रेडमार्क को फाइल किया है, इसका नाम है रियलमी 11। अब ये इन ऑल लाइक्लीहुड रियलमी की आने वाली सेल हो सकती है और आई कांट वेट टू सी अ लॉट ऑफ पीपल क्लेमिंग दिस टू बी अ स्मार्टफोन। बट यस, रियलमी की तरफ से ये रियलमी 11 भी आज सर्टिफाई हो चुका है। बात करें वैसे रियलमी की तो यार रियलमी का एक और नया GT Neo सीरीज का स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है और स्मार्टफोन का नाम होगा रियलमी GT Neo 2T। OnePlus 9RT की तरह ही रियलमी GT Neo 2T भी जल्दी ही लॉन्च होने वाला है और आज MIIT सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे इस स्मार्टफोन को मैंने स्पॉट कर लिया है। 120 हर्ट्ज की होगी रिफ्रेश रेट, 48 मेगापिक्सल का होगा मेन कैमरा, रियर डिजाइन वैसे यहां पे चेंज होने वाला है। रियलमी GT Neo 2 से काफी ज्यादा मिलता जुलता ये स्मार्टफोन तो होगा, बट इस स्मार्टफोन में हमें एक डिजाइन मेकओवर देखने को मिलने वाला है। और गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Xiaomi 11T जस्ट लाइक इट्स प्रो काउंटर पार्ट आज इंडिया की BIS पे लिस्ट हो गया है। तो Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro काफी जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। सो गाइस ऑन दैट नोट आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो भी हर बार की तरह पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, बलते फूलते रहिए, सदा ऑसम रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। अ पीस, जय हिंद।